वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो 2024 के नए साल में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबका ये साल मंगलमय हो और सभी इस साल में बहुत खुशी से अपने सारे कार्य पूरे करें। तो आज हम लेकर आए हैं बिगनर्स के लिए एक सिंपल सा डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट किया है इस तरह से, तो वो आपको इसमें बना के दिखाएंगे हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप प्लान सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट में जाके एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट इसको ओपन करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसके सारे डायमेंशन इंचेस में डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट में जाना है आपको, यूनिट में जाके यहाँ पे IPS इंच सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपली हमें टाइप कर देना है 16 टाइप कर देना है और ओके कर देना है। टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहाँ पे देखिए एक सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है। इस तरह से हमने एक सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम 16.5। फिर आपको क्या करना है, इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इक्वल कर देना है 16.5 बाय 16.5, मतलब 16.5 इंच ये स्क्वायर है। अब फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस एक्टिवेट करना है। इसकी ब्लाइंड कंडीशन ब्लाइंड रखेंगे और इसकी हाइट रखेंगे 2 इंच। सिंपली इसे ओके कर देना है। अब हमें बॉटम वाली फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच, और यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल हम क्रिएट करेंगे। ओके, इस तरह से हमने एक कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पे सेंटर लाइन क्रिएट कर देते हैं मिरर एंटिटी के लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों लाइनें हमने यहाँ पे क्रिएट की है। अब इसका डायमेंशन हम डिफाइन कर देते हैं 3 इंच बाय 3 इंच। अब मिरर में जाना है, मिरर एंटिटी इसे एक्टिवेट करना है और मिरर एंटिटी कौन सी करनी है, ये स्क्वायर इसके सेंटर में यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, फिर मिरर अबाउट, तो मिरर हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए इधर भी ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया है। अब हमें फिर से मिरर एंटिटी में जाना है, दोनों स्क्वायर को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल वाली लाइन को सिलेक्ट करना है। देखिए मिरर हो गया और ओके कर देना है। अब फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे, इसकी ब्लाइंड कंडीशन बॉटम की साइड में हमें इसको एक्सट्रूड करना है, तो 7 इंच यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। इसकी साइज 7 इंच हमने यहाँ पे रखी है। ये देखिए टॉप फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच यहाँ पे हम सर्कल क्रिएट करेंगे, इंच का ये सर्कल रहेगा 6.5। इंच इसका डायमीटर है। फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस एक्टिवेट करेंगे। अब इसकी हाइट हमें रखनी है 4। आप इस तरह से भी यहां पे टाइप कर सकते हैं स्पेस 1/2 और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से। अब फिर से टॉप फेस सिलेक्ट करनी है और यहां पे सर्कल क्रिएट करना है हमें और इसका
डायमीटर रहेगा 10 स्पेस 1 अपॉन 2। देखिए 10.5 इंच इसका डायमीटर है और फिर ओके कर देना है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है, तो 1.5 1.5 इंच इसकी हाइट रहेगी और ओके कर देना है। अब यहाँ पे कुछ कट्स हमें लगाने हैं। सर्कल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, स्टॉप फेस को सिलेक्ट करना है। सर्कल क्रिएट करने के बाद इसका डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे, फाइव पॉइंट फिफ्टी वन इंच और सिंपली ओके करना है। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। एक्सट्रूड कट हमें कितने, इसकी डीप कितनी लेनी है हमें, तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइपेड है, टाइप किया हुआ है, मतलब 1 स्लैश 1 स्पेस 1 अपॉन 2, मतलब 1.5 इंच इसकी डीप रहेगी और ओके कर देना है। अब बॉटम वाली फेस को सिलेक्ट करना है और वही साइज सेम टू सेम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देनी है। फाइव पॉइंट फिफ्टी वन इंच। फिर से फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कट, और देखिए 1.5 इंच डीप इसकी रहेगी और ओके कर देना है। अब इस अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच, यहां पे थ्रू ऑल होल होगा, इसका डायमीटर 4 इंच हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट, और यहाँ पे सिंपली थ्रू ऑल सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। अब हम यहाँ पे हमें होल क्रिएट करने हैं, तो इसके लिए एक पीसीडी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। पीसीडी के लिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, तो इसका डायमीटर हम अप्लाई करेंगे 8 स्पेस 1 अपॉन 2, 8.5 इंच इसका डायमीटर रहेगा। बट इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए हमने ये ड्रॉ किया है और ओके कर देना है और सिंपली एग्जिट कर देना है। और फिर से इस फेस को सिंपली सिलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है होल विजार्ड में। यहाँ पे देखिए होल विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे होल सिलेक्ट करना है, सिंपल होल, अनसीमेट्रिक, फिर यहाँ पे ड्रिल साइज, और फिर यहाँ पे हम साइज ले लेंगे इसकी 20.5 इसकी साइज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ब्लाइंड कंडीशन यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है अप टू नेक्स्ट। फिर यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट करेंगे, पोजीशन एक्टिवेट करना है इसे। पोजीशन यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमने सर्कल क्रिएट किया था उस पर देखिए ये पॉइंट शो हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर देना है। ये चारों चार सर्कल पे हमें इस तरह से होल सेट कर देना है और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से ये, अब जो हमने कंस्ट्रक्शन सर्कल क्रिएट किया था उसे हम हाइड कर देते हैं। आपको इसका 2D ड्राइंग भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे चैम्फर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 0.1 इंच इसकी साइज रहेगी। और ओके कर देना है।
अब फिर से चैम्फर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वन अपॉन टू, हाफ इंच का यहाँ पे चैम्फर लगाना है यहाँ पे इस वाली फेस पर और ओके करना है। अब हमें यहाँ पे बॉटम वाले जो ये जो है जो स्क्वायर 3x3 के, तो इसको बॉटम वाली फेस को सिलेक्ट करके स्केच क्रिएट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिंपली ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें होल थ्रेड क्रिएट करने हैं। फिर इस तरह से हम इन चारों चारों बॉक्स में इस तरह से लाइन क्रिएट कर देंगे। फिर से एंटर करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इन चारों बॉक्स में कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट कर दी है और सिंपली एग्जिट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए टैप होल है, इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड में आपको अनसीमेट्रिक, फिर यहाँ पे टाइप इसका रहेगा टैप्ड होल। फिर यहाँ पे इसकी साइज हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमें 20x2 mm, और फिर यहाँ पे ब्लाइंड कंडीशन 1.5। अब इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं हम। ये देखिए इस तरह से ये सेंटर में इसका लोकेशन रहेगा और सिंपली ओके कर देना है। देखिए इस तरह से अब इस वाले स्केच को हम हाइड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने टैप होल अप्लाई की है लेकिन यहाँ पे थ्रेड्स शो नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाना है और डिटेलिंग में जाना है। फिर यहाँ पे देखिए शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड, ये अनचेक है, इसे चेक कर देना है और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे थ्रेड शो हो रहे हैं, इसका अपीयरेंस हम अप्लाई कर देते हैं। मेटल मेटल में जाना है हमें। मेटल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आयरन आयरन को सिलेक्ट करना है। आयरन में हम कास्ट आयरन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट हमें क्या करना है, जितने भी कट्स हैं उनको सिलेक्ट कर देना है। होल जो थ्रेड है वो, और यहाँ पे अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है। ये देखिए क्योंकि ये क्या है, हमें अंदर की साइड में ऐसा रफ साइज नहीं चाहिए, ये मशीनेबल साइज है, तो इसका थोड़ा फिनिशिंग वाला हम लुक देंगे यहाँ पे। तो स्टील में जाएंगे, स्टील में जाके पॉली स्टील यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखिए तो अंदर से थोड़ा फिनिशिंग जैसा लग रहा है हमें। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कलर इसका इस तरह से ये सेट कर देते हैं। और यहाँ से आप सिंपली इसका जो टेक्सचर है, जो मटेरियल का लुक है, वो प्लस माइनस कर सकते हैं इस तरह से। देखिए आप ज़्यादा रफ चाहते हैं तो रफ इसको कर सकते हैं बाहर से, बट ये जो नॉर्मल नॉर्मल है वही रहने देना है हमें और ओके कर देना है। तो आज ये बेसिक ड्राइंग है, सिंपल सा ड्राइंग है बिगनर्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।